फाइन स्टूडेंट, दिस अ पार्ट फोर और अभी तक पार्ट थ्री पे काम हो चुका है। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री वी हैव कम्प्लीटेड। और इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीएससी का इंटेंट देखने का प्रयास कर रहे हैं। और देखो, कल जब मैंने फ्लो में मैंने तुम लोग से बात किया, मतलब यूपीएससी का डिस्कशन किया, तो जो क्वेश्चन नंबर 57 था उसमें क्वेश्चन क्या था, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई। हाँ, तो फ्लो में मैंने क्या बोल दिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, नहीं तो जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो बोलेंगे सर को तो इतना भी नहीं आता है। तो उसी को वो करने के लिए उसमें देखो, प्रोवाइडेड सम रीजन ऑल्सो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी उसका नाम आना चाहिए। सिटीजन है मगर इलेक्ट्रल रोल्स पे उसका नाम ही नहीं आया तो कहाँ से होगा। तो इसलिए लगा मुझे रेक्टिफाई कर देना चाहिए, नहीं तो जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे फिर घड़ियाएंगे हमको पकड़ के कि सर को इतना भी नहीं आता है और सर एनालिसिस कर रहे हैं। तो कई बार होता है ना, फ्लो में आदमी एक कदम आगे बोल के निकल जाता है, इसलिए सोचे कि रेक्टिफाई कर दिया जाए इसको। हाँ, ऐसा होता है, मुझे बाद में रिलाइज होता है ये सब चीज़। और ये फ्लो में ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, नहीं तो फिर जानते हो अभी जमाना डीप फेक क्या है ना, उसी चीज़ को फिर फैला देगा। एनीवे, उतना फेमस तो हुए नहीं है। यहाँ पे देखो 76, देखो 76, देखो लोकसभा और स्टेट असेंबली, लिखो पॉलिटी है ये, पॉलिटी, पॉलिटी में आपका पार्लियामेंट या फिर विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, उसका जो मैथमेटिक्स जो गणित है, नंबर कितना होना चाहिए, समझे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल टू द डिक्लेयर इलेक्टेड। ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत का जो व्यवस्था ऐसा नहीं है, दो पार्टी सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। बिल्कुल, तो कम वोट से भी जीत सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, हाँ ये समझ गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट और विधानसभा से रिलेटेड टॉपिक्स है ये। आगे देखो 77, देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इकोनॉमी लिखो, सो सिंपल। इकोनॉमी में जो LPG है, LPG का बहुत बेसिक्स पूछा गया कि LPG हुआ तो उसका क्या असर पड़ा, ये तो आँख बंद करके यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं, देखो आगे बढ़ो 78, देखो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, देखो कितना गजब बात है इसमें, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हाँ बायो टेक्नोलॉजी, सोमैटिक सेल द बायो टेक्नोलॉजी प्लस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दोनों का ये कन्फ्लुएंस है, प्लस करेंट अफेयर्स, ये सब चीज़ करेंट अफेयर्स ही लाता है, समझे। हाँ, आगे देखो 79, देखो NPCI, तो RBI ना लिखो, मतलब वही इकोनॉमी लिखो, इकोनॉमी डोमेन हो जाएगा, उसमें लिखो RBI एंड रिलेटेड एजेंसीज, और रिलेटेड एजेंसी में जरूर तुम इसका लिख दो, NPCI का लिख दो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन, बहुत UPI के पीछे भी तो यही ऑर्गेनाइजेशन है, ATM के पीछे भी तो यही ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितना भी IMPFs देखते हो, RTGs देखते हो, सब तो NPCI करवाती है ना, तो इसका मतलब एक बैंकिंग सिस्टम का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पूछने का प्रयास कर रहा है, उससे संबंधित है ये। 80 देखो M-STRIPS, सो सिंपल ना, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और जो इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या तरीका है। M-STRIPS जान रहे हो ना, टाइगर के लिए होता है कि नहीं होता है, हाँ पढ़े हो ना स्टूडेंट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में, M-STRIPS किसके लिए, टाइगर का वो पग देख के ना, कहाँ कहाँ यात्रा किया उस हिसाब से टाइगर का सेंसस में टाइगर का पॉपुलेशन को जोड़ा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है। तो M-STRIPS यानी कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट एनिमल्स के लिए तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका। और हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले 2-3 साल पहले वो एक क्या, हाँ चीता के पीछे वो गला, हाँ गला में वो लगा दिया गया था ना, हाँ कॉलर वाला लगा दिया गया था, बिल्कुल, हाँ RFID वाला भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था, कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है उसका देखने के लिए, बिल्कुल उसी संबंधित है, वहाँ से मैच कर सकते। 81 देखो, 81 साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इकोनॉमी दोनों को जोड़ दो, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है, जैसे GST हो गया, तो GST का उस समय GST नया चीज़ था जी, 2017 का है, जाने 2017 में ही लागू हुआ है GST है ना, तो उसी से रिलेटेड पूछ लिया गया है और कुछ नहीं। 82 देखो, हाँ ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, समटाइम्स यही है तुम्हारा, ये लिख लो करेंट अफेयर्स, डायरेक्ट साफ साफ लिख रहा है कि न्यूज़ में देखा गया है, करेंट अफेयर्स, ग्लोबल ग्रुपिंग,
एंड एसोसिएट मेंबर्स। अब ग्लोबल ग्रुपिंग में कौन कौन मेंबर्स सब है ना। तो ग्लोबल ग्रुपिंग का मतलब क्या है, कई बार तुम्हारा वही BTIA हो जाएगा, कई बार CEPA हो जाएगा, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे जैसे तुम्हारा ये रीजनल इकोनॉमिक कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप जहाँ से इंडिया निकल, RCEP जहाँ से इंडिया निकल गया था, उसी तरह का। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखो इकोनॉमिक, इससे पहले भी बच्चे लोग, हाँ चलो ठीक है, वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है वो पहले वाला 82। 83 देखो, ये प्योरली तुम्हारा इकोनॉमी का हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का हिस्सा। और इकोनॉमिक्स का कौन सा हिस्सा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WTO हो गया, GATS हो गया है ना, TRIMS हो गया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, उसी से संबंधित है। देखोगे समझ में आ जाएगा। बाली अग्रीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, बाली मिनिस्ट्रियल, उसमें छूट था ना डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो, हाँ रिलेटेड टू ट्रेड, बिल्कुल रिलेटेड टू, लाइक जस्ट लाइक WTO, ठीक है। ये आगे देखो चबहार पोर्ट है, देखो करेंट अफेयर्स लिखो, करेंट अफेयर्स लिखो और स्ट्रैटेजिक प्लेस लिखो, करेंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजिक प्लेस इन प्रस्पेक्टिव ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रस्पेक्टिव से। देखो चबहार पोर्ट इंडियन प्रस्पेक्टिव है कि नहीं है, उधर ग्वादर पोर्ट देखो तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए हम चबहार पोर्ट का बात किए थे, मैं वो अलग बात है कि आगे नहीं बढ़ पाया, काटसा का लगा ईरान के ऊपर, हम पीछे चले गए, ये सब तो जान ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। हाँ 85 देखो, हाँ ये सब देखो, ये हाथ पैर नहीं होता ये सब क्वेश्चन का। इन इंडिया इट इज अ लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। अब देखो इस पे ध्यान नहीं रहता है लोगों का, है ना। तो ये तुम्हारा ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जानते हो ना, इंटरनल सिक्योरिटी भले ही मेंस का हिस्सा है, तो इंटरनल सिक्योरिटी जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है वो पूछ लेता है कई बार, तो लिखो करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, और उसमें इश्यू सब उठाकर देख लो, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, वो सब लिख लो, बॉर्डर से रिलेटेड होगा तुम्हारा, वो भी आ सकता है इसमें, समझे। हाँ 86 देख लो, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। अब देखो ये क्या है, पॉलिटी, पॉलिटी का बेसिक, और इलेक्शन लिखो, सेम वही जो इससे पहले जो जहाँ पे रेक्टिफाई किए थे फर्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन है, पॉलिटी बेसिक वही, इलेक्शन प्रोसेस और बेसिक्स, है ना, है कि नहीं, बताओ तुम, आंसर बताया तुम लोग को, लीगल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट होने के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट से लॉ पास होना चाहिए, क्या हाँ हाँ नहीं तुम लोग को पता नहीं है, इस क्वेश्चन के ऊपर बवाल मच गया था दिल्ली में, ठीक है ना, बहुत बड़ा बवाल हुआ था इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ऑल लीगल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही होगा, समझे ना, वो बहुत ही ऐसे घुमाया है सिविल सर्विस, वो इतना ईजी दिख रहा है, ईजी नहीं है, नेचुरल लाइट तो होगा ही नहीं, छोड़ दो अभी, अभी चर्चा करने का टाइम नहीं है। देखो आगे देखो, हाँ एलिसा क्या है, इवॉल्व लेजर, हाँ इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट डिवाइसेस लिखो। अब इंपॉर्टेंट डिवाइसेस में एंटीना लिख दो इधर, थोड़ा सा लाईफाई लिख दो, थोड़ा सा वाईफाई लिख दो, थोड़ा सा ब्लूटूथ लिख दो, और प्लस करेंट अफेयर्स लिख दो, यानी करेंट अफेयर्स जान देगा यहाँ पे, और उसी संबंधित पूछता भी है स्टूडेंट। देखो 88 देखो, हाँ ये देखो उस समय कितना न्यूज़ में था, विद्यांजलि योजना। अभी देखो ये लिखो, गवर्नेंस है प्लस करेंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है एक्सेट्रा कर दो। उन्नत भारत अभियान, ठीक है, तो सेम वही कैटेगरी में जाएगा, वही करेंट अफेयर्स, गवर्नेंस, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, पहले प्रोग्राम एंड पॉलिसी दम भर पूछता था सिविल सर्विस, अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा कम हो गया है, समझे स्टूडेंट, क्या हुआ, गवर्नेंस प्लस करेंट अफेयर्स कुछ प्रोग्राम, ठीक है। अब प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम क्या नहीं है एक्चुअली, इसको भी बड़ा करोगे कितना बड़ा, हाउसिंग आ जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि कहने का मतलब है कि करेंट अफेयर्स में जो जो स्कीम चल रहा है आप ध्यान दीजिए उस पर।
यहाँ देखो सेम है ना, आप देखो शुरू में 90 में शुरू में इलेक्शन कमीशन का बात कर रहा है, सेकंड में भी देखोगे तो बाई इलेक्शंस का बात है, थर्ड में भी इलेक्शन कमीशन का ही बात है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्शन से रिलेटेड है। पॉलिटी लिखो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही ब्रैकेट में इलेक्शन लिखो। जब इलेक्शन का बात कहेंगे तो क्या नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाएगा, और अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में लॉ बनाना हुआ ना, सर्च कमेटी याद है ना, सर्च कमेटी तुम लोगों को याद है ना, सर्च कमेटी के बाद आगे कौन सा कमेटी होगा, जो कमेटी वो करेगा सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट कमेटी, हाँ जिसे प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, अब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। चलो 91 देखो स्टूडेंट, देखो बहुत सुंदर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड इम्पोर्टेंट एक्ट्स है ना, इसलिए तुम लोग को रिसर्च करवा रहे हैं हम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किए कि नहीं किए, इस बार चेंज भी हुआ है 2022 में, करेक्ट, साइट्स के हिसाब से उसको मैनेज करने का प्रयास किया गया, ये हो गया। दूसरी बात है कि हमारे पास वाटर एक्ट है, हमारे पास और भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, फॉरेस्ट एक्ट है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक कहीं ना कहीं से पूछ लेगा घुमा के, समझे। और यहाँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ठीक से देखोगे तो पता चल जाएगा। 92 देखो जुडिशियल रिव्यू, अब लिखो यहाँ पे पॉलिटी, फंडामेंटल राइट, ठीक है फंडामेंटल राइट, और बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो, फंडामेंटल राइट के बाद एक और लाइन खींच के बेसिक स्ट्रक्चर लिख दो, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो बच्चे लोग, अब सुप्रीम कोर्ट तुमको पता है बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक पूरा तय भी नहीं है, उसमें और भी इवॉल्व होता है बहुत सारा चीज़ सब, इसलिए इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे तो यू नॉट गेट, तो कम ही आपको लिस्ट मिलेगा, वो लिस्ट बढ़ भी सकता है, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू भी, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी भी है ना, फेडरलिज्म खुद एक, सेकुलर शब्द, ये सब तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक, तो इसको देखने का नज़रिया बहुत सारा हो सकता है तुम लोग का, या तो उसको फंडामेंटल राइट से जोड़ दो या उसको बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ दो, यानी कि पॉलिटी का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आगे देखो स्टूडेंट, ये देखो साफ साफ मॉडर्न इंडिया 93, मॉडर्न इंडिया जी, अब मॉडर्न इंडिया में इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, और वो भी लास्ट फेज ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक से देखोगे तो लास्ट फेज है ये, है ना, 1930 के बाद देखो ना, क्विट इंडिया है यहाँ पे, सेकेंड राउंड टेबल है, म्यूटिनी है, म्यूटिनी तो सबसे लेट में हुआ था, सब लेट हुआ है, सबसे लेट हुआ है। आगे देखो, हाँ बच्चे लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन 94 देखो, इकोनॉमिक्स लिखो, इकोनॉमिक्स लिखो, इकोनॉमिक्स लिखो, और उसके बाद बजट लिखो, अरे देखो बजट से पूछा ना क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स बजट, और जब बजट लिख रहे हो तो इकोनॉमिक सर्वे काहे छोड़ोगे, लिखो इकोनॉमिक सर्वे भी, और उसका इंपॉर्टेंट डेटा, देखते हो दोनों में डेटा ही पूछा जा रहा है, समझ गए। अब उस समय का स्थिति अलग होगा ना, उस समय जो टैक्स परसेंटेज था या समझ रहे हो ना, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स उसका अलग था इक्वेशन, उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट अलग था, अभी कितना है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% ऑफ द GDP है ना, अभी कलेक्शन क्या है ज़्यादा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्स का। आगे देखो 95 देख लो स्टूडेंट, रिसेंटली देयर वॉज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट, हाँ अब देखो लिखो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट प्लस करेंट अफेयर्स, प्लस करेंट अफेयर्स एंड प्लस प्रोटेक्टेड एरियाज, इकोलॉजी का हिस्सा है मैं करेंट अफेयर्स में भी आया है, और ये रिलेटेड है तुम्हारा प्रोटेक्टेड एरियाज से, वही नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस सब से रिलेटेड है, ठीक है। 96 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, सिंपल क्वेश्चन ना, पॉलिटी और एमरजेंसी, पॉलिटी का एमरजेंसी एंड कॉजेस या फिर इम्पैक्ट, एमरजेंसी लगेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एमरजेंसी जानते हो स्टेट एमरजेंसी लगता है ना, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल कहते हैं। 97 देखो, 97 भी तुमको साफ साफ नजर आ रहा होगा, पॉलिटी और फंडामेंटल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है बताओ, वही पूछा गया है। उसके बाद कितना 98, 98 देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन, तो लिखो इसको लिखो तुम ज्योग्राफी, वही इंडियन ज्योग्राफी, हाँ लोकेशन, लोकेशन में थोड़ा लिख दो इधर इंडियन स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जैसे अंडमान निकोला बार और लक्षद्वीप वाला लोकेशन,
और कितना नज़दीक है दूसरे कंट्री के साथ, और वो कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब कहोगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं कि वो कंट्री इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो भाई ये जो इंडोनेशिया है उस समय सावांग पोर्ट के वजह से बहुत न्यूज़ में रहा था। सावांग पोर्ट अभी का बात नहीं है, बात समझे, जब क्रो कनाल बनाने का बात था अंडमान सी से, तो उस समय उसको करने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसको कंपनसेट करने के लिए बोल रहे थे कि सावांग पोर्ट वहाँ बनाएंगे। तो क्वेश्चन देने के पीछे कुछ इरादा है सिविल सर्विस का, कुछ लिंक है। 99 देखो, लिख लिया हो ना 99, देखो क्या होगा 99, पॉलिटी अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैबिनेट फॉर्म क्या, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का विषय है वो। एग्जीक्यूटिव क्या हो सकता है, स्टेट लेवल का भी हो सकता है, सेंट्रल लेवल का भी हो सकता है स्टूडेंट्स। हाँ देखो ये भी 100 क्वेश्चन, देखो पॉलिटी है और फेडरल इशूज, फेडरल इशू कहाँ आएगा, हाँ कौन से चैप्टर में आएगा, स्टेट और यूनियन का रिलेशन है ना, एक डेडिकेटेड चैप्टर है कि नहीं वहाँ पे, दैट्स इट कंप्लीटेड।